नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ की संपत्ति की जांच और सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया। महीने भर में सभी जिलों को यह काम करके अपनी अपनी रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन ओवैसी की पार्टी समेत विपक्षी दल इसे मुस्लिम रंग दे रहे हैं। AIMIM का तो कहना है कि सरकार अवसर मिलते ही मुसलमानों को तंग करना शुरू कर देती है। वैसे वक्फ संपत्तियों की जांच के पीछे प्रशासन की दलील है कि इससे कब्जे वाली जमीनों का पता चलेगा। कई संपत्तियों की अवैध बिक्री की जा चुकी है तो उनकी शिनाख्त होगी। कई जमीनों पर कब्रिस्तान से लेकर मॉल तक बना दिए गए हैं। पहले मदरसों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और वक्फ के सर्वे को लेकर उन्हें सरकार की नीयत में खोट अब दिख रहा है। तो मदरसों के बाद अब वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी। सभी जिलों में एक महीने में जांच पूरी करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे, भू माफिया द्वारा किए गए कब्जों की जांच होगी। शासन ने सभी कमिश्नर्स डीएम्स को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिए। अगर सरकार जो नाजायज कब्जे हैं उनको छुड़ा या उसके वक्त जमीन को वापस करे तब तो सर्वे का फायदा है, और अगर कुछ भी ना काम हो सारी सर्वे होकर रह जाए इतनी प्रॉपर्टी नाजायज कब्जे में है तो उससे क्या फायदा होगा। उसको तो सरकार को चाहिए ऐसा कानून बनाए कि वो नाजायज जो कब्जे हैं वो हट सके वहां के ऊपर। और यहाँ के ऊपर इसमें मुतवल्लियों ने जो वक्त जो केयर टेकर्स थे उन्हें सबसे ज्यादा बेईमानी की है, और वह बोर्ड भी शामिल रहे उसमें बेईमानियों में, और सब उन्होंने अपनी जमीनें पैसे थोड़े थोड़े पैसों में बेची उन्होंने। सच्चाई है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जांच, वक्फ की जांच, मदरसों की जांच, एक तरफा कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े धर्मशालाओं के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या इनमें घपले घोटाले नहीं है आपकी नजर में? और भी कैसमत यह फरीदा बनता है, उनका ही ड्यूटी बनती है कि वो जहां नाजायज कब्जे हैं उन नाजायज कब्जों को छुड़ाएं और जमीनों को वापस करो। बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं कि ये वापस आए हैं। जैसे कोई बहुत हिंदू भाई ऐसे हैं जब उससे हम पहुंचे हमने कहीं वापस जमीन है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था, तो हमको तो फिलहाल तो वजी ने बैठ डाला, हमने ले लिया, हमें पता ही नहीं था वापस जमीन, तो वो किराएदार बनने में तैयार है। जो पहले चेयरमैन था वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का, जिसकी CBI जांच हुई, जिसके खिलाफ करप्शन के बड़े बड़े आरोप, उसको तो आपने करप्शन में जेल नहीं भेजा। और दूसरी बात कि अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी NRC, लेकिन अब आप तैयारी में हैं बड़ी NRC की। जो पुअर मुस्लिम पीपल्स हैं, दबे कुचले पिछड़े मुसलमान हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये वक्फ की संपत्तियां वक्फ की गई थी, और उसमें तमाम फिर घालमेल होने लगे जो वक्फ बोर्ड बने समाजवादी पार्टी के दौरान या बहुजन समाज पार्टी के दौरान या कांग्रेस के दौरान। फिर इन्होंने ये खेल शुरू किया कि सरकारी संपत्तियों को, बंजर संपत्तियों को अपने वक्फ में दर्ज कर लिया, ये शिकायतें आईं। तो इन शिकायतों पर पूरी तरीके से चिंता करते हुए आदरणीय योगी जी ने इसको वक्फ सर्वे के लिए भेज दिया। मोहसिन अजय साहब पिछले योगी जी की सरकार में मंत्री थे, जब उनको लग रहा अच्छा था तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं करा? अब तो माशाल्लाह कुछ दिन से मेहमान है, लग रहा है फिर विधायक बने, मतलब मेरी उस पर कोई वो नहीं है, पर मोहसिन अजय साहब भूल गए। ये तो कहे कि योगी जी को खुश करने में लगे हुए। खैर, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तरीके से अपने अपने आकाओं को खुश करने की बातें हैं, पर ये सारी चीजें गलत हैं। और एक दिन समय आएगा कि खुद वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे या तो लोग जो इनके विभाग के अधिकारी लोग हैं, हो सकता है मिसगाइड कर दिया हो। वक्फ के सर्वे को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की जमीन वक्फ के द्वारा छीनने की ये साजिश हो रही है। एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हम खो दिए उसको। एक बात याद रखिए कि ज्ञानवापी भी वक्फ है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि 1942 में वक्फ हुआ था ये, 1880 में उसका खसरा पानी का रिकॉर्ड है, दीन मोहम्मद का केस है, और ज्ञानवापी में जो प्रधानमंत्री ने उसका मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन किया, उसमें चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई माफिया इंक्रोच करके बैठा है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, क्या उसमें सरकार के आदमी नहीं है?
आपने उनको निकालने के लिए क्या किया बताइए। आप बोले सर्वे करें, सर्वे आप एक ही समुदाय का क्यों कर रहे हैं? हर प्रॉपर्टीज का सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, वो ले लीजिए जहां पर लीगल केसेस पेंडिंग है या नहीं है। आप एक्सट्राडाइट कराइए उन लोगों को। वक्फ के सर्वे को लेकर आखिर सरकार की सोच क्या है? विपक्ष के मुसलमानों को टारगेट करने के आरोप पर क्या कहना है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का, देखिए। साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है। सर बताइए, किस तरीके से आपको लगता है वक्फ की संपत्तियों की जांच की बात हो रही है, मदरसों का तो आकलन चल ही रहा है, इस संपत्ति की जांच क्यों जरूरी लग रही है? देखिए, सरकार के पास जो भी सूचना आती है सरकार नियमानुसार अपना पालन करती है। वो किसी की प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, किसी प्रकार का हो, और जो नियमानुसार है उसमें किसी को छेड़छाड़ नहीं होता है। तो जो कानून अपना काम करेगा, जो नियम कानून करेगा, वो किसी की प्रॉपर्टी हो, किसी की संपत्ति हो, वो जांच हो सकती है। सदन में जिस तरह की गहमा-गहमी दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव कल सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज वो सूखाग्रस्त और साफ तौर पर जिस तरह कानून व्यवस्था रही उसको लेकर के अटैक कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा था विशेषाधिकार हरण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, आज 56 के तहत होगी। आपको लगता है तमाम आरोपों को लेकर की जो विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, एक विपक्ष की भूमिका सकारात्मक भी रहती है, नकारात्मक भी रहती है। लेकिन परमानेंट आप नकारात्मक व्यवहार के साथ यदि सदन में आएंगे तो राज्य को जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। यदि लाभ देना है, जनसामान्य को लाभ मिले, बाकी लोगों को लाभ मिले, तो कभी कभी सकारात्मक चर्चा होती है। क्या है, जब सभी लोग आंदोलित होते हैं और कोई अच्छे काम के लिए जनसामान्य खड़ा होता है, गांव गरीब किसान खड़ा होता है, तो वह काम को स्पीड पकड़ता है। जैसे वैश्विक महामारी में पूरा देश और पार्टी एक साथ खड़ी होती है तो देश को लाभ मिलेगा। एक बड़ी खबर कांग्रेस से आ रही है, सोनिया गांधी से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समय मुलाकात चल रही है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जबरदस्त खींचतान, अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि मैं दिल्ली आऊंगा, राहुल गांधी से पूछूंगा, अगर वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो पर्चा दाखिल करूंगा। अब अशोक गहलोत इस समय सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, लेकिन एक बयान ये भी आ गया है कि पार्टी में दो पद, एक व्यक्ति दो पद नहीं संभाल सकता। तो अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि आज मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, तो फिर आप अध्यक्ष का पद क्यों चाहते हैं, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी से मैं पूछूंगा। और इस समय अगर सोनिया गांधी से मुलाकात चल रही है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वाकई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बात सामने आई थी, सोनिया गांधी ने कहा था कि कोई भी गांधी परिवार का सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना नहीं चाहता और वो इस पद की रेस में नहीं है। और अब कांग्रेस से कई सारे नाम ऐसे आ गए हैं और उसमें सबसे मुखर शशि थरूर भी का नाम भी, लेकिन सबसे मुखर, सबसे आगे अशोक गहलोत ही चल रहे हैं। उधर सचिन पायलट आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए और आज तक ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। लगातार लगता है कि अगले दो हफ्ते में पार्टी को आपके एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है। देखिए, पहली बात तो जो भारत जोड़ो यात्रा है देश में, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही चंद लोगों ने इतनी बड़ी यात्रा को निकालने का एक जज्बा दिखाया हो, और राहुल जी ने इस करके दिखाया है। और ये भारत जोड़ने का जो मतलब है वो तमाम ताकतें जो समाज को, देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो रिस्पांस है, जो लोगों के जज्बात हैं, जो भीड़ और जो उमड़ के लोग मिलना चाह रहे हैं और अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ताकत कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। और भाजपा इसे बहुत बौखलाई हुई है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कर सड़कों पर लोगों के साथ मिलाप जो हो रहा है और कंटिन्यूस 150 दिन चलना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जरूरत थी भारत में, इस देश में इस तरह की यात्रा निकालने के लिए। तो इस यात्रा से बहुत लाभ देश को भी होगा, समाज को भी होगा, कांग्रेस पार्टी को भी होगा। भारत जोड़ो यात्रा पे कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के चुनाव को लेके भी चर्चा जोरों पर है, सियासी उठा पटक से लेके नाम सामने आ रहे हैं। और अशोक गहलोत का नाम उन्होंने कह दिया अपने विधायकों को कि अगर राहुल गांधी नहीं माने तो मैं नामांकन दाखिल करूंगा और मैं राजस्थान छोड़ नहीं रहा। देखिए, अभी आने वाले समय में क्या होगा, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 24 तारीख से नामांकन चालू होंगे और 30 तक नामांकन भर सकते हैं। मजदूर मिस्त्री जी जो हैं, जो चुनाव प्रचार के, वो चुनाव अभियान के जो हमारे सीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो व्यक्ति चाहता है अध्यक्ष बनना नामांकन भर सकता है। अनेक राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, ये निर्णय राहुल गांधी जी का है। लेकिन जो कांग्रेस जन की मंशा है वो पीसीसी के माध्यम से एआईसीसी में पहुंच चुकी है।
अंतिम निर्णय राहुल जी का रहेगा, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए कि कौन व्यक्ति नामांकन भरता है। जो भी हो, लेकिन देश में इकलौती पार्टी कांग्रेस है जहां चुनाव इस तरह के हो रहे हैं। गहलोत साहब क्या जिक्र नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जिक्र की क्या बात है भाई, जो बनने वाले नए अध्यक्ष, ये तो समय बताएगा कौन क्या होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस चुनाव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकलेगी और भाजपा और बाकी दलों के अंदर वो चुनाव कराने का प्रटेंड भी नहीं करते हैं, वो दिखावा भी नहीं करते हैं। हम चुनाव करा रहे हैं और सुने जी ने भी कहा है, सब लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो लोग भाग लेंगे, 9000 हमारे जो मतदाता नया अध्यक्ष चुनेंगे, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अब सारा का सारा दारोमदार राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी आगे क्या करते हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं या नहीं, सारी लड़ाई राहुल गांधी के एक निर्णय से कांग्रेस में तय होने वाली। राहुल गांधी ने पतवार थामी और नाव के खेवनार बने तो सब तरफ से यही सवाल उठा कि कहीं ये सियासी संदेश तो नहीं, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की पतवार थामने को तैयार नहीं हो गए? 99.99% लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि आप अपने हाथ में पतवार रखें पार्टी की। पतवार रखने का मतलब ये नहीं है कि किसी पद पर रह के पतवार रखे, पतवार का मतलब है उसका नेतृत्व करें। तो यानी कि आप बहुत अहम बात कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर अध्यक्ष कोई पोस्ट पे नहीं भी रहते हैं राहुल गांधी, पतवार उन्हीं के हाथ में रहेगी। महात्मा गांधी कभी पद पर रहे क्या? एक दो बार रहे AICC प्रेसिडेंट, लेकिन वो एक पूरे देश में उन्होंने एक दिशा दी और उसको सभी ने स्वीकार किया। तो धीरे धीरे व्यक्तित्व राहुल गांधी जी का वो बनता जा रहा है कि उन्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में राहुल नाम केवलम की धुन जारी है। पार्टी के किसी भी नेता से उनकी पसंद पूछ लीजिए, जुबां पे पहला नाम राहुल गांधी का ही आता है। कि 10 के आसपास जो है स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया कि राहुल गांधी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। सबके मन की बात है, हम सब यही चाहते हैं, मैं यही चाहता हूं, हमारे जैसे कई कार्यकर्ता ऐसा यही चाहते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं राहुल आगे आए, गहलोत कह रहे हैं राहुल इनकार करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लंबी फेरिस्त है। 8 राज्यों के प्रदेश कमेटी ने राहुल के समर्थन में प्रस्ताव तक पारित कर दिया है, लेकिन वो खुद खामोश हैं। संगठन की ओर से जो गाइडलाइन दिया गया था कि आप PCC अध्यक्ष के लिए और AICC डेलीगेट्स के लिए आप अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंपिए, अपनी उत्साह में उन्होंने राहुल गांधी को वापस लाने के लिए एक और रेजोल्यूशन पारित कराया गया है, वो उनकी उत्साह है, उनकी मांग है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस फिलहाल दो प्लान पर आगे बढ़ रही है। प्लान ए, राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार हो जाएं। प्लान बी, राहुल गांधी नहीं माने तो गहलोत को उतारा जाए। यानी कि उम्मीदवारी को लेकर पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, अगले कुछ दिन तस्वीरें साफ होने में लग सकते हैं। आज 21 सितंबर को गहलोत सोनिया की मुलाकात है, कल 22 सितंबर को गहलोत राहुल से मिलने कोच्चि जाएंगे, परसों 23 सितंबर को राहुल गांधी कोच्चि से दिल्ली आएंगे और 24 सितंबर से अध्यक्ष पद पर नामांकन शुरू हो रहा है। गहलोत का कोच्चि जाना, राहुल गांधी के साथ मीडिया के संबोधन का उनका प्लान और फिर 23 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर राहुल के दिल्ली आने की खबर के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन तमाम मायनों का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक राहुल गांधी का स्टैंड साफ नहीं हो जाता। कोच्चि से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत में पेश किया गया है। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था और एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उनकी कस्टडी लेना चाहती है, इसलिए अमानतुल्लाह खान को अदालत में पेश किया गया है। अब जो भ्रष्टाचार के आरोप अमानतुल्लाह खान पर लगे थे उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनका एक साथी जिसके घर से एक पिस्टल कारतूस बरामद हुए थे, 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को यह लगता है कि अब ये अमानतुल्लाह खान से और पूछताछ होनी है, अमानतुल्लाह खान से और राज उन्हें उगलवाने हैं, और भ्रष्टाचार के जिस मामले में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है वहां अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसीलिए अदालत में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पेश करके और कस्टडी चाहती है एंटी करप्शन ब्यूरो। देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।